Ready? Assalamu alaikum, I'm Samina Iftikhar Ahmed from Soch News of Dallas Online. I'm here in Houston and who is with me? None other than Rehan Siddiqi. So let's talk to him. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी, खैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा, आज का बड़ा फंटास्टिक ज़बरदस्त शो था, आप क्या कहेंगे? वेल, ये कोशिश थी कि हम जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से इतने दूर हैं और ख़ास तौर पे हमारी जनरेशन टुडे, वी ऑलवेज फील के बिकॉज ऑफ़ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डायलॉग्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कभी कभी यू नो यू स्ट्रांगली फील के जो कम्युनिटी अमेरिका में रहती है, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ काम करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरेशन टुडे, उनको ये समझ में नहीं आता कि वाई डू वी हैव सो मैनी डिफरेंसेस। डिफरेंसेस इन दोनों मुल्कों के दरमियान जितने भी हों, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इन दोनों मुल्कों को इकट्ठा करती हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ म्यूज़िक। यू नो, अगर आपका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, यू लव सोनू निगम, आपको अरिजीत सिंह पसंद हैं, किशोर कुमार पसंद हैं, आपको रफ़ी साहब पसंद हैं, लता जी पसंद हैं। अगर आपका इंडिया से ताल्लुक़ है, यू लव उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, आतिफ असलम, शफकत अमानत अली। तो जो दोनों मुल्कों के आर्टिस्ट होते हैं, जब आप किसी कॉन्सर्ट पर आते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आपके साथ कोई पाकिस्तानी बैठा है या इंडियन बैठे हैं, बिकॉज म्यूज़िक हैज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट हैज़ नो बाउंड्रीज, इट कनेक्ट्स एवरीवन टुगेदर। एक पहला इनिशिएटिव हमने लिया कि हम एक आर्टिस्ट को पाकिस्तान से लेकर आए जवाद, और एक आर्टिस्ट को इंडिया से लेकर आए कैलाश खेर। एंड आई ऑलवेज से कि अगर आप कोई कम्युनिटी इवेंट कर रहे हैं, इट कैन नॉट हैव अ टैग लाइन ऑफ अ प्राइस। सो दिस वॉज अ फ्री इवेंट, हमने तकरीबन 11,000 फ्री टिकटें दी हैं, एंड इट वॉज बेसिकली एन इनिशिएटिव बाय द कम्युनिटी, बाय द बिजनेसेस, के लोगों ने चाहा, कम्युनिटी ने चाहा। अभी आपने देखा यहाँ पर कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली मरतबा, आई डोंट थिंक इट हैज़ एवर हैपन्ड, के ओवर 10,000 पाकिस्तानीज एंड इंडियंस वर स्टैंडिंग ईच अदर, वर स्टैंडिंग विद ईच अदर, एंड यू नो एक दूसरे के नेशनल एंथम का एहतराम कर रहे हैं। हमने कहीं पे नहीं देखा कि पाकिस्तानी नेशनल एंथम हुआ तो इंडियंस बैठ गए, या इंडियंस नेशनल एंथम हुआ पाकिस्तानी बैठ गए। तो दुनिया के लिए, यू नो आई एम श्योर यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज देती हैं, मगर आज 10,000 पाकिस्तानी और इंडियंस ने एक साथ खड़े होकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट इज्जत करके ये कहा है कि वी आर अ पीस लविंग नेशन, वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इफ़ वी वर्क टुगेदर। एंड आई थिंक इससे हमारे लीडर्स को, हमारे मुल्क को, दोनों मुल्कों को, यू नो चाहे आपका ताल्लुक इंडिया से है, यू आर अ प्राउड इंडियन, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, यू आर अ प्राउड पाकिस्तानी। सो विद दिस फैक्टर वी प्रूव दैट अगर अकेले हम खड़े हैं और साथ मिलकर खड़े हैं, तो इट्स मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड मच मोर बिगर। वेरी गुड रेहान सिद्दीकी, थैंक यू सो मच, आपकी आपने थॉट शेयर किए। एक चीज़ और बोल दीजिए, कीप वॉचिंग डैलस, कीप वॉचिंग सोच न्यूज ऑनलाइन डैलस। वेल, keep watching Soch News Online Dallas, because I think this is the first news channel jo ke Dallas se all the way Houston aur local centers par aake local community event ko cover karta hai, and I think that you're making Dallas very proud, so keep it up and best wishes to you. Thank you so much. Thank you.